नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या लोगों में आ रही है कि इंटरा यूनिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो इस टाइप की समस्या बहुत से लोग अभ्यर्थी जो आपका नई भर्ती यूपी ट्रिपल एससी पीटी के थ्रू हो रही है उसमें आवेदन कर रहे हैं, तो उसमें ये समस्या आ रही है। तो इसका सोल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। अगर आपके में भी ये समस्या आ रही है तो आपको क्या करना है, कैसे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओपन कर रखी है, आपको इसका लिंक आपको sarkarresult.com और rozgarresult.com पे ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। जैसे ही आप साइट खोलेंगे देख सकते हैं मैंने मार्क किया है फाइल रिक्वेस्ट टू चेंज योर रिक्वेस्ट ईमेल आईडी। तो जैसे आपको इस पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपसे पूछेगा आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं कि मोबाइल नंबर कि दोनों। अगर आप में जैसा एरर आ रहा है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं देख सकते हैं मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको चेंज करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने एक कैप्चा डाल दिया है। यहाँ पे आपको अपना पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा पीईटी का डालिएगा क्योंकि उसी से लिंक एक फॉर्म है। तो पीईटी का मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। ध्यान दीजिएगा नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए, जैसा आपके फॉर्म में है वैसे एज इट इज नंबर डालिएगा और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो पीईटी के फॉर्म में आपने डाली थी, एज इट इज सेम डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी। जेंडर सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे नया मोबाइल नंबर डाल लें। अगर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर की जगह ईमेल आईडी बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी मोबाइल नंबर या जो भी ईमेल आईडी आप अपडेट करें उस ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसी वजह से आ रही है कि जो लोग का पहले से रजिस्टर्ड है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया अपना नया मोबाइल नंबर डाल के। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपको एक कोड यानी कि एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और बहुत ही जल्द आपके फॉर्म में ये जानकारी अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।